Hey fam, welcome back to the Den Star. So we are back again with another video and Adipurush ka official teaser aaya hai in Hindi starring Prabhas, Saif Ali Khan, Kriti Sanon and Om Roth. Ye jo director hai inhone wo bhi direct kari thi na Om ne kya naam tha Tanaji jisme Ajay Devgan ko बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था. इट वॉज अ गुड मूवी. तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी सही है क्योंकि अगर आप कास्ट देखो एंड डायरेक्टर को देखो तो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली सबकी ऐसी आई होंगी. तो लेट्स वॉच द टीजर एंड देखते हैं टीजर कैसा. फंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश. आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के दस सर कुचलने. सनी सिंह, आई थिंक ही इज प्लेइंग एज लक्ष्मण. आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने. ओके इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं श्री राम जी का एंड प्रभास ही इज लुकिंग गुड. एंड आई थिंक द कैरेक्टर्स जो सिलेक्शन हुई है इट इज गुड. हाँ, सीता जी के रोल में कृति सैनन भी अच्छी लग रही है, सैफ अली खान एंड बट मैं आई डोंट नो कैसा लगा टीजर. I'll be honest, the character selection was good. Actors ko bahut dhang se choose kara gaya according to the respective roles. But the VFX, they could be worked on. VFX se mujhe lag raha tha thoda sa jaise na cartoon wali wo nahi hoti vibes. Mujhe VFX se aisa laga jaise ye movie na Mogo pe release hogi maybe. Like, yes. Dekho, sabke apne apne... I don't know what was their point. I think to... Ek hota na ki zyada... ब्रह्मास्त्र वगैरह के लिए काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई है अयान भाई. ये आदि पुरुष का भी ना बहुत लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था बट यार वो ये ना डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं. अच्छा मुझे मैं बताता हूँ ना, मजा नहीं आया. आई वोंट प्ले द टीजर अगेन बट अगर आप इसमें देखो ना जो स्टार्टिंग की लुक थी वो प्रभास की लुक ठीक लगी लेकिन जो जब सैफ अली खान की मुझे उससे जीओटी की याद आई टू बी ऑनेस्टली. मुझे आया होटल ट्रांसिल्वेनिया. नहीं मुझे गेम ऑफ थ्रोन लगा क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन में भी अगर आप देखो गेम ऑफ थ्रोन में भी ऐसे ही वो जो खलीसी वाले ड्रैगन होता है उस पे ही ऐसे बैड बूट. आई मीन लाइक कम ऑन द ड्रैगन वाज गुड देयर. मैं होटल ट्रांसिल्वेनिया इसलिए कह रही हूं ट्रांसिल्वेनिया में जो वैम्पायर्स बैड बन जाते हैं ना द ओल्डर बैड वो ऐसा वाला फील आ रहा था मुझे. ऑल्दो मुझे सैफ अली खान की लुक द फेस एक्सप्रेशन वो मुझे सही लगे जब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग द डायरेक्शन एंड द एक्टर्स मतलब द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स आर गुड. ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी होगी बट वो जो एनिमेशन का पार्ट आ रहा है जो वी एफ एक्स यूज किए गए हैं एट सर्टेन पॉइंट दे फील अ लिटिल टू अनरियल. एंड इसमें शायद
सनी सिंह लक्ष्मी जी का रोल प्ले कर रहे हैं आई गेस, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि श्री राम के साथ में वही चल रहे थे. एंड बट VFX डूड, VFX बहुत बेटर हो सकते थे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन. और यू डोंट नो, पता है कि इस मूवी का बजट क्या है? 500 करोड़. नो, 500 करोड़ का बजट. एंड आफ्टर दैट हमें ये देखने को मिला. एंड लोकेशन भी मुझे बहुत अजीब लगी, मतलब अगर आप आगे और देखो ना, मैं जस्ट ट्रेलर देख लिया, लेकिन मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर करके क्लिक कर करके आगे देख रहा हूँ, तो मुझे लोकेशन वाइज भी बहुत ऐसे लगा ना, जैसे इतना तो हम गेम्स वगैरह में इससे रियल देख लेते हैं. आप 116 पे देखो, जिसमें सैफ अली खान वहाँ से टेम्पल टाइप से, मतलब जो पीछे टेम्पल कह रहा हूँ, पीछे अपना एम्पायर जो भी है, पीछे हम अपनी लोकेशन से यू नो चलते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं, ओके बैट्स वगैरह हैं, बहुत अनरियल भाई, बहुत अनरियल. इट लुक्स लाइक अ गेम थिंग, बहुत अनरियल. वो ये बात वही आ जाती है, अगर आई एम रियली होपिंग कि इससे अच्छा पता क्या करते हैं, सही बताऊं मैं क्या करते हैं, 500 करोड़ का बजट था ना, 500 करोड़ का बजट बचाते, प्रभास सैफ अली खान और कृति सैनन को ना साइन करते. कृति सैनन को शायद कर रहे थे, प्रभास और सैफ अली खान, दे आर द बिग एक्टर्स. या आई नो दे, तो प्रभास इज अ सुपरस्टार, आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द स्टार्स एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी ज्यादा. स्टार्स को आपने साइन करा तो आपने बजट, मुझे लग रहा है आपने बजट वहीं दे दिया सारा, बजट एलोकेशन ठीक, या तो बजट और बढ़ाते अगर आपको बिल्कुल सुपरस्टार्स को हायर करना था, दे आर द सुपरस्टार्स राइट. तो यार मैं क्या बोलूं, मेरी एक्सपेक्टेशन थी बट लेकिन वो लोगों ने बहुत सही तरीके से लिए एंड वो मूवी बहुत सही गई थी. तो लेट्स वेट फॉर द ट्रेलर एंड सी हाउ द मूवी अनरिवील्स इटसेल्फ. तो बाकी तब देखेंगे. Yes, abhi ke liye it was not up to the expectations, but hoping it turns out to be good because we are expecting a lot given the star cast, given the director. I'm still have some hope ki trailer mein kuch zyada acha ho. And is movie, ye movie release hogi uske baad hi I think Pathaan aani hai Shahrukh Khan ki. Okay. To wo bhi mujhe lag raha hai jaldi kuch na kuch dekhne ko milega. And and it's October now, तो काफी अच्छी movies भी आने वाली है. Expectation हमारी SRK वाली थी, but मिला हमें KRK, ऐसा वाला scene हो गया. Ooh. But ठीक है. Okay, but it's all right. Let's see, wait for the trailer. देखते कि क्या और निकलता है. Guys, personal opinion. सबका अपना opinion होता है. भाई hate wait मत देना. वही अपने हमने जो हमें feel हमने बोल दिया. बाकी आप बताओ आपको teaser कैसा लगा. And yes. Reviews. So yeah, tell your opinion, aapko kaisa laga, and agar maza aaya to make sure to give us a thumbs up, subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram, link is in description, and just remember one thing, you have to grind to shine, take care, bye-bye.